नमस्ते, मैं पंकज जायसवाल। सी ए ए क्या है? आप सभी इसको लेकर हैरान है। मैं आप सभी को बता दूं कि सी ए ए ये जो कानून है, हमारे पार्लियामेंट में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2019 यानी कि वर्ष 2019 में इसको वहां पर प्रस्तुत किया था, और इसके बाद में संसद में ये जो कानून है वो पास हुआ। सीए की हम बात करें तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इसका पूरा नाम है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐसे जो भी नागरिक जो लोग भारतीय संस्कृति से बिलोंग करते हैं, जैसे कि हिंदू, बुद्ध, पारसी, जैन, ये सब जो धर्म के लोग हैं, कहीं ना कहीं बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका या फिर हम बात करेंगे अफगानिस्तान, इन सारी कंट्री में रहकर वो इंडिया आए हुए हैं, तो उनको नागरिकता देना यानी कि इंडियन नेशनलिटी उनको प्रोवाइड करना, ये काम सीए के तहत होगा। तो इसके लिए जो सीए है वो लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये काम किया गया था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार के द्वारा। हमारे भारत देश के जो वर्तमान के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि सीए से किसी भी नागरिक को नुकसान नहीं है, सीए से सीधा फायदा उन सभी नागरिकों को है जो लोग वर्षों बाद हमारे भारत देश में लौटे हैं और जो लोग भारतीय संस्कृति से बिलोंग करते हैं। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत उन सभी को भारत देश की नागरिकता प्रदान की जाएगी। ये जो ऐतिहासिक कदम था, ये भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2019 में लिया गया था, और इसका हम सब सम्मान करते हैं। बहुत लोग इसका विरोध भी करते हैं, विरोध क्यों करते हैं उसका तो हमें पता नहीं, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो ये एक तरफ से फायदा सीधा हमारे जो धर्म के लोग हैं उनको हो रहा है।